जानते हैं यूएस सिनेमा के टिकट काउंटर से कि कैसी रही जीरो की फर्स्ट डे की ओपनिंग। आइए तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि यूएस सिनेमा में मतलब कैसा एक्सपीरियंस रहा है अभी तक लोगों का जीरो को लेकर। जीरो के लिए तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, जो कस्टमर्स के रिव्यू हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, ठीक है, और पब्लिक उन्हें अच्छा खासा पसंद भी करती है। शाहरुख खान काफ़ी टाइम बाद आए हैं एंड देव अ बिग ब्लॉकबस्टर मूवी नाउ, और पब्लिक भी अच्छी खासी है हमारे यहाँ पे, काफ़ी पब्लिक आ रही है, पब्लिक मूवी पसंद कर रही है। इवनिंग के शो हमारे ऑलमोस्ट हाउसफुल जा रहे हैं, कल सैटरडे संडे हैवी वीकेंड होने वाला है हमारा, तो उसकी प्रिपेयर हम कर रहे हैं यहाँ पे, बट जीरो इज़ वेरी गुड मूवी। अच्छा, आपके थिएटर में हम देख सकते हैं कि जीरो के साथ साथ KGF भी लगी है, तो क्या मतलब दोनों में कैसा कॉम्पिटिशन है, या कोई ऊपर है कोई नीचे है, क्या कही है? नो, दे बहुत मूवी हैज़ अ डिफरेंट कैटेगरिया। बेसिकली जो KGF है वो कन्नड़ मूवी है, उनका यस जो इसमें स्टारकास्ट हैं बॉलीवुड में फर्स्ट टाइम वो डेब्यू कर रहे हैं, दो चैप्टर में इनकी मूवी है, फर्स्ट चैप्टर इन्होंने अभी स्टार्ट किया है, तो स्टार कास्ट के भी इतनी पब्लिसिटी नहीं है हमारे बॉलीवुड में, तो उसमें अच्छा खासा रिस्पॉन्स नहीं है, बट मूवी बहुत अच्छी है। जो एक न्यू स्टोरी को उन्होंने बिल्ड किया है, एंड्रॉइड करके कुछ समथिंग करके मूवी में बनाया है, सोने की खोज वगैरह जो लिखा है, ये कॉलर गॉल फिल्म के नाम से है ये सारी चीज़ें, मूवी दोनों ही अच्छी हैं, बट यहाँ पे क्या है अभी उस मूवी को जानते नहीं है तो क्राउड उसमें अच्छा है नहीं, बट होपफुली जैसे ही पब्लिक उसके रिव्यू देखेगी और मूवी की स्टोरी देखेगी तो उसमें मूवी में नंबर ऑफ इंक्रीमेंट्स होने चाहिए मूवी के ऑडियंस के। और जीरो का जो आउटपुट है वो कैसा आ रहा है अभी, जैसे फर्स्ट डे है तो उसका? देखिए, शाहरुख खान की वैल्यू के हिसाब से अभी थोड़ा सा डाउन है, क्योंकि शाहरुख खान जब आते हैं तो अपने साथ हाउसफुल लेकर आते हैं, लेकिन आज हाउसफुल नहीं है क्योंकि काफ़ी टाइम बाद मूवी भी आई है, स्टार कास्ट सारी ही अच्छी है, उसमें शाहरुख खान है, अनुष्का शर्मा है, कैटरीना कैफ है और आनंद राय उसका डायरेक्टर हैं, सारी चीज़ें हैं मूवी में, म्यूज़िक बहुत क्लासिकल है, बहुत बढ़िया मूवी है, लेकिन फिर भी अभी इतनी स्टार्टिंग नहीं है। जो हम ऑडियंस पे देखते हैं तो अराउंड 60% हमारे फर्स्ट शो की एडमिट थे उसमें, जो कि काफ़ी ठीक भी है, एक एवरेज मूवी से काफ़ी अच्छा है, लेकिन इवनिंग के शो हमारे यहाँ पे ज़्यादा अच्छे चलते हैं, होपफुली वो 100% हाउसफुल होंगे, कल सैटरडे एंड संडे है तो वो भी हाउसफुल ही जाएंगे, और वीकडेज में भी हमारे इवनिंग के और नाइट के शो सारे सारे हाउसफुल जाएंगे। शाहरुख खान है तो उसका वेलकम पब्लिक करती है और करती रहेगी। अच्छा, आपसे मैं ये और जानना चाहूँगी, जैसे अभी 2.0 आई, देन उसके बाद केदारनाथ आई, तो बैक टू बैक अब जैसे जीरो आ गई, तो आपको क्या लगता है तीनों मूवीज़ में मतलब अभी तक का सबसे अच्छा रिव्यू किसका मिला है? देखिए, रिव्यू तो सबसे अच्छा 2.0 का मिला था, काफ़ी मोस्ट अवेटेड मूवी थी वो, 2017 में आनी थी, उसके बाद फिर डिले हो गया, 18 की स्टार्टिंग में हो गया, फिर मिड में आना था कि जुलाई में स्टार्ट आएगी, जुलाई में भी नहीं आई, आते आते उसे काफ़ी टाइम लेट हो गया। मोस्ट अवेटेड मूवी थी 2.0 की। लास्ट मूवी जो थी रोबोट बहुत ही अच्छी चली थी, रजनीकांत जी को बहुत पब्लिक ने पसंद किया, मूवी की स्टोरी एक न्यू तरीके से लेके आए हुए, एक न्यू आइडिया था उनका जो उन्होंने कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया बॉलीवुड में, अच्छी मूवी थी। उसके साथ में 2.0 में शाहरुख खान अक्षय कुमार जी भी आए, अक्षय कुमार जी ने उसमें अपने नेगेटिव रोल प्ले किया जो कि एक लाजवाब था, मूवी की स्टोरी बहुत अच्छी थी, उसके रिव्यू ज़्यादा अच्छे थे। बाकी शाहरुख खान की भी मूवी आज स्टार्टिंग है, फर्स्ट डे है, तो अच्छे रिव्यू हम ले नहीं पाए हैं अभी सभी पब्लिक से, लेकिन धीरे धीरे जैसे रिव्यूज आएंगे तो मूवी अभी अपडेट होगी। आपको कैसा लगता है कि भाई इतने मतलब लोग आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, मतलब आप सुबह से बैठे खाली बैठे हैं या लोग आ रहे हैं? मतलब लोग आ रहे हैं काफी, लोग आ रहे हैं। हाँ। मतलब लग रहा है कि शाहरुख कुछ कर पाएंगे, मतलब बिल्कुल कुछ कर पाएंगे, कुछ कर पाएंगे। हाँ। अच्छा, मतलब जीरो या फिर KGF, मतलब ज्यादा बुकिंग्स किसकी आ रही है? जीरो, जीरो की आ रही है, जीरो की। तो लगता है आपको कि मतलब इस बार शायद बॉक्स ऑफिस पर शाहरुख छा जाएंगे? बिल्कुल छा जाएंगे इस बार। ओके, थैंक यू। Yeah!